probe into the Mahadev betting app scam has exploded. In the latest, the Mumbai police has lodged an FIR against 32 people, including the top two of corporate giant Dabur. Police have in fact booked Dabur Group Chairman Mohit Barman and Director Gaurav Barman under charges of fraud. The FIR also includes Bollywood actor Sahil Khan among those that have been accused. Now, the Dabur Group has also come out and issued a statement and has denied all the allegations made by the Mumbai police. The statement read, and I quote, "We categorically deny the allegations and firmly believe that a thorough investigation will indicate our position and demonstrate the unfounded nature of these allegations," I end quote. In fact, the Mumbai police in its FIR, has come out and made these allegations. And the FIR comes on the heels of ED probe. The central agency had earlier raided the Mahadev book in Chhattisgarh, following which the center also went ahead and issued blocking orders against 22 illegal betting platforms, including the Mahadev app. पीएम नरेंद्र मोदी कल आए थे, उन्होंने कहा कि जो ऐप है महादेव ऐप, उससे जो पैसा आया है उसका हिसाब किताब सीएम से मांगा है पीएम। देखिए, भूपेश बघेल जी और टीएस सिंहदेव का बीच में एग्रीमेंट हुआ था कि 2.5 साल वो सीएम रहेगा, टीएस सिंहदेव 2.5 साल सीएम रहेगा। फिर अचानक कांग्रेस ने ये डिसीजन चेंज कर दिया और उसी समय महादेव ऐप भी लॉन्च होता है, तो कहीं ना कहीं संयुक्त है ही ना। ये एक्सटेंशन आपको क्यों दिया? कोई लेन देन तो हुआ होगा। तो इसीलिए प्रधानमंत्री जी जो बात बोल रहा है, ये बात को लॉजिकल कंक्लूजन तक लेके जाना है। दिल्ली में किसका जेब में ये गया था महादेव ऐप का पैसा, इसको भी ढूंढ के निकालना है। राजनाथ सिंह भी बोल रहे हैं कि जो लोग इसमें आरोपी पाए जाएंगे उनको उनकी जगह जेल में है, तो पीएम सीएम भूपेश बघेल का भी नाम उसमें रखा गया है। ये तो भूपेश बघेल जी ने 508 करोड़ रुपया लिया, लेकिन ये 508 करोड़ का कोई हिस्सा दिल्ली में भी तो गया है ना, तो पूरा इंक्वायरी अच्छा से करना पड़ेगा। तो वो ये भी कह रहे हैं ना भूपेश बघेल के चुनावों के मद्देनजर आप लोग उन्हें जबरदस्ती इस तरह का मायाजाल फैला। देखिए, चुनाव की मद्देनजर तो दारू का घोटाला नहीं हुआ है, चुनाव का मद्देनजर कैला का घोटाला नहीं हुआ है, तो ये तो सिलसिला 5 साल से छत्तीसगढ़ का लूट का जो बाजार है वो तो 5 साल से चल रहा है। महादेव ऐप घोटाले के बाद छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री मुंह छिपाते घूम रहे हैं, और जो मैंने आपकी प्रेस वार्ता में कहा था घोटाला करो और भूपे करो, पैसे कमाओ और भूपे करो, वो 5 साल तक तो चलता रहा, सट्टा लगता रहा, मुख्यमंत्री कार्यालय संरक्षण देता रहा, क्योंकि भूपे हो रहा था। 508 करोड़ रुपए महादेव ऐप से भूपे हुआ, घोटाले का पैसा मिला, संरक्षण मिला, लेकिन अब वो नहीं होगा, ना कांग्रेस की सरकार होगी ना संरक्षण होगा। जैसे दिल्ली के उप मुख्यमंत्री जेल में है, जैसे दिल्ली के सांसद जेल में है, जैसे दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री जेल में है, अगर वहां के शराब घोटाले वाले नहीं बचे तो यहां तो कोयला घोटाला, गोठान घोटाला, पीएससी घोटाला, महादेव ऐप घोटाला, घोटाले पे घोटाला, तो यहां तो कहीं नहीं जाने वाले, पक्की गारंटी है। जो मुंह लटका कर बैठे हैं, मुंह छिपा रहे हैं, वो कल को मुंह दिखाने लायक नहीं।